अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एकेडमी की जानिब से एक बार फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के कोर्स के साथ हाजिर हूँ। पावर पॉइंट में हम कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। जिस तरह के हमारे पास एमएस वर्ड में पेजेस थे, तो यहाँ पावर पॉइंट में हमारे पास प्रेजेंटेशंस है, सॉरी स्लाइड्स है। तो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास यहाँ ऑफिस बटन है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट वगैरह, ये सारे ऑप्शन जो हमने अभी पिछले कोर्स में एमएस वर्ड में हमने सीखे वही वाले ऑप्शन है। यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ से हम किसी भी बटन को अपने यहाँ ला सकते हैं। जैसे कि मैं अभी प्रिंट प्रीव्यू को यहाँ लाता हूँ, तो हमारे पास यहाँ प्रिंट प्रीव्यू जो है ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप यहाँ से कोई भी बटन यहाँ अपने लिए आसानी के लिए बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एमएस वर्ड में क्या लिखा था, डॉक्यूमेंट वन, यहाँ पर लिखा है प्रेजेंटेशन टू। ठीक है, प्रेजेंटेशन टू, ये इसमें प्रेजेंटेशन वन टू थ्री इस तरह होगा। ठीक है, एमएस वर्ड में हमारे पास था डॉक्यूमेंट वन, डॉक्यूमेंट टू, इसी तरह ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का नाम है। ठीक है, ये मिनिमाइज बटन, रिस्टोर टोन एंड क्लोज बटन है। ठीक है, ये मेन्यूज और ये जो है रिबन्स है, ये हमारे पास जो है स्लाइड्स है। यहाँ पर हमें अपने सारे स्लाइड्स जो है वो नज़र आएंगे, जितने भी स्लाइड्स हम बनाए तो यहाँ पर हमें स्लाइड का जो मैप है वो नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ नीचे हमारे पास स्टेटस बार है, कौन सा कितने स्लाइड्स है, कौन से स्लाइड्स में अभी काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ जूमिंग है, आप यहाँ से जूम ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और ये रूलर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हमने जो चीज़ें सीखे तकरीबन 70% वही चीज़ें यहाँ हम रिपीट करेंगे। तो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि अगर ये आप दोबारा से देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के जो ऑप्शंस थे, जो कमांड्स थे, उस वो भी रिपीट हो जाएंगे। तो इस तरह हम आगे बढ़ाएंगे इस कोर्स को। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ऑफिस बटन को। बहुत ही सिंपल है, हमने अभी वर्ड में बताया भी था, लेकिन खैर दोबारा भी कर लेंगे। अगर कोई एमएस वर्ड को नहीं देखना चाहता, सिर्फ पावर पॉइंट चाहिए, तो फिर ज़रूरी है कि वो यहाँ स्टार्ट से देख लें।